हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटनी आइडल। दोस्तों आज हम बातें करेंगे शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की आने वाली फिल्म पठान के बारे में। पठान सबको पता है, इस प्रोड्यूस बाय यशराज फिल्म्स यानी कि आदित्य चोपड़ा एंड डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ आनंद। सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने हाल ही में फिल्म वॉर डायरेक्ट की थी एंड विच वॉज अ सुपर ब्लॉकबस्टर एट द बॉक्स ऑफिस, धमाका मचा देता है बॉक्स ऑफिस पे। और के अलावा सिद्धार्थ आनंद ने बहुत सारी फिल्में बनाई है, ताराराम पम पम, बैंग बैंग, सलाम नमस्ते, कुछ फिल्में चली है कुछ फिल्में नहीं चली है, अनजाना अनजानी। लेकिन वॉर के बाद सिद्धार्थ का डिमांड बॉलीवुड में बहुत बढ़ गया है। तो पठान तो जैसे आपने देखा होगा उसके कुछ फोटोज वीडियो, शाहरुख खान के नया लुक जो लंबे लंबे बाल है, पॉनी टेल है, ही इज लुकिंग डैशिंग, जबरदस्त लग रहे शाहरुख खान। और उनका जो लुक तो ऑडियंस को ऑलरेडी पसंद आ चुका है। एंड जॉन अब्राहम इज डूइंग अ नेगेटिव रोल फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा सुनने में आया है। तो जॉन अब्राहम की बॉडी तो आपको पता है लोखंड की बॉडी है, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच जॉन अब्राहम इन अ नेगेटिव रोल बिकॉज ही इज़ अ टफ गाय। उनका जो बॉडी इज अ इंडिया का सिल्वेस्टर स्टालोन है जॉन अब्राहम। एंड दीपिका पादुकोण जिन्होंने शाहरुख खान के साथ डेब्यू किया था ओम शांति ओम में, तो ऑडियंस तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है फिल्म देखने के लिए। जब भी पठान फिल्म थिएटर में आएगी, ट्रस्ट मी, इट विल बी बिगेस्ट ओपनर ऑफ दैट ईयर। धमाका मचा देगी, शाहरुख खान एंड द एंटायर टीम धमाका मचा देगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह वॉर को धमाकेदार रिस्पॉन्स मिला था, उतना धमाकेदार रिस्पॉन्स पठान को भी मिलेगा और पठान बॉक्स ऑफिस पे हंगार लगा देगी। और इसके अलावा बहुत सारे रूमर सुनने में मिले थे कि शाहरुख खान राजकुमार हिरानी की फिल्म कर रहे हैं। अगर शाहरुख खान राजकुमार हिरानी की फिल्म करते तो बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होती उनके करियर की, कि राजकुमार हिरानी इज़ इंडियाज़ टॉप मोस्ट डायरेक्टर एंड इज़ बॉलीवुड्स नंबर वन डायरेक्टर, ही वुड डेफिनेटली मेक अ इंटेलिजेंट फिल्म विद शाहरुख खान। फिर कुछ रूमर्स ऐसे आए कि शाहरुख खान इज़ डूइंग अ रोहित शेट्टी फिल्म। रोहित शेट्टी ने शाहरुख खान के साथ चेन्नई एक्सप्रेस बनाई थी जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी। दिल वाली फिल्म कुछ खास नहीं चली, लेकिन अगर शाहरुख खान उनकी भी फिल्म करते रोहित शेट्टी की, तो ही वुड डेफिनेटली मेक अ वेरी गुड थ्रिलर विद शाहरुख खान, बिकॉज इज़ अ मास्टर ऑफ थ्रिलर। और कुछ रूमर्स ऐसे भी आए कि शाहरुख खान इज़ डूइंग अ फराह खान की फिल्म। तो फराह खान जी की फिल्म करते तो भी शाहरुख खान को सक्सेस ही मिलती, कि फराह खान जी वुड मेड अ एंटरटेनमेंट, फुल ऑन एंटरटेनमेंट लाइक अ मनमोहन देसाई फिल्म। और ऐसे भी रूमर्स थे कि शाहरुख खान इज डूइंग सत्ते पे सत्ता, जो 1982 में अमिताभ बच्चन की फिल्म थी उसका रीमेक करने वाले फराह खान जी के साथ। लेकिन बाद में पता चला इज जस्ट अ रूमर, क्योंकि फराह खान जी इज़ वेरी लक्की फॉर शाहरुख खान बिकॉज शी मेड थ्री फिल्म्स विद शाहरुख खान, उसमें से एक फिल्म सुपर हिट है मैं हूं ना, दूसरी फिल्म ओम शांति ओम इज द ब्लॉक बस्टर, एंड थर्ड फिल्म हैप्पी न्यू ईयर इज नॉट ओनली अ ब्लॉक बस्टर, उस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म थी, बहुत बड़ी ओपनर थी, 44 करोड़ की ओपनिंग लगी थी और शाहरुख खान के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर है वो पिक्चर। तो शाहरुख खान के लिए लक्की तो है ही फराह खान जी। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो शाहरुख खान का आइकॉनिक स्टाइल है ऐसे हाथ फैलाना, दैट स्टाइल वॉज एक्चुअली गिविन टू शाहरुख खान बाई फराह खान जी। फराह खान जी वॉज अ कोरियोग्राफर दैट एवरीबडी नोज। जब उन्होंने अपने करियर का पहला गाना पहला नशा फिल्म जो जीता वही सिकंदर में किया था, तो ये स्टाइल उन्होंने आमिर खान को दिया था। आमिर खान ने वो स्टाइल किया लेकिन उसके बाद आमिर खान ने रिपीट नहीं किया उसको। लेकिन जब यही स्टाइल फराह खान जी ने शाहरुख खान को बताया, तो शाहरुख खान ने इतने ज़बरदस्त अंदाज से किया कि लोगों को इतना पसंद आया कि दैट बिकेम एन आइकॉनिक स्टाइल ऑफ शाहरुख खान, सिग्नेचर स्टाइल ऑफ शाहरुख खान। मतलब इतना ज़बरदस्त स्टाइल हो गया वो कि कोई भी करेगा उस स्टाइल तो पता चल जाएगा ये शाहरुख खान का स्टाइल, अंदर भी बता देगा, इतना ज़बरदस्त फेमस हो गया वो स्टाइल। और शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि आई थिंक यश चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा एंड फराह खान, दीज आर द ओनली थ्री डायरेक्टर्स जिन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया और उनका 100% ट्रैक रिकॉर्ड है।
यश चोपड़ा के साथ भी शाहरुख खान की सभी फिल्में हिट है, दिल तो पागल हो या डर हो, सभी फिल्में हिट। और फराह खान जी के साथ भी उनकी तीन वो फिल्में सुपर हिट है, और आदित्य चोपड़ा के साथ भी मोहब्बतें सुपर हिट, रब ने बदल दी जोड़ी सुपर हिट, एंड दिल वाले ने दुल्हनिया ले जाएंगे विच कम्प्लीटेड 25 ईयर्स आई थिंक इन नवम्बर 20, 20-25 साल कंप्लीट किए एट मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में। जो मुंबई के बाहर रहते हैं उनको शायद पता नहीं होगा कि मराठा मंदिर और गेटी गैलेक्सी के जो ओनर है वो दोनों सेम ही है, मनोज देसाई जी। तो G7 मल्टीप्लेक्स एंड मराठा मंदिर आर ओन बाय सिंगल पर्सन। तो उन्होंने उस फिल्म ने 25 साल कंप्लीट किए। तो ये यश यश चोपड़ा तो भी है ना हमारे बीच में, तो आदित्य चोपड़ा एंड फराह खान जी तीनों इस शाहरुख खान के लिए बहुत लकी है कि दे गॉट 100% ट्रैक रिकॉर्ड। और जब अब हम बातें करेंगे पठान की, तो पठान फिल्म जब भी आएगी मुझे लगता है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस को एक अंगार लगा देगी, बिकॉज वॉट ऑडियंस वॉन्ट फ्रॉम शाहरुख खान वो शायद इसी पिक्चर में मिलेगा। जो ऑडियंस शाहरुख खान को पर्दे पे जिस तरह से देखना चाहती है वो पठान में ही मिलेगा, क्योंकि जिस तरह के उनके फोटोग्राफ्स, उनके कुछ वीडियोज़ आते हैं बाहर, तो उससे पता चलता है कि ये पिक्चर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। तो यस विशिंग शाहरुख खान, जॉन अब्राहम, द एंटायर टीम ऑफ पठान ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर व्हेन एवर पठान कम्स ऑन स्क्रीन इट्स गोइंग टू ब्लास्ट द स्क्रीन एंड इट्स गोइंग टू बिकम द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ शाहरुख खान करियर। सो दिस बॉबी भाई सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।